ये दड़ियल इतना खुश क्यों है? हाँ, उसकी बीवी का वो किसी और के साथ शादी कर रहा है ना, तो खुश तो होगा ही ना। तुम? मतलब? मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर होगे। आजकल हम यही होते हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ, ऑफ कोर्स। नोटिस तो दे दिया है, बाकी आप लोग तो हैं हमारे साथ। कौन है सफदर? डार्लिंग, मैं जयंत को बुला के लेके आता हूँ, हमें शॉपिंग ले जाना है ना। हाय गुलन, अंदर आओ ना। क्या बात है गुलन, कुछ कहना चाहती थी क्या? तुम जो कर रही हो सोच समझ कर रही हो ना? हाँ, क्यों? सपना, मैं सफदर को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है, लेकिन शायद तुम्हारा देखने का अंदाज अलग था। आखिर तुम में और जयंत में जो दूरी है, शायद वही तुम्हें सफदर के पास ले आई। लेकिन मैं तो बिल्कुल सपना, सही। मैं यहाँ सही और गलत के बारे में बताने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ ये कहने आई हूँ कि जो तुम करना सोच समझ कर करना। अभी तो तुमने शादी की नोटिस दी है, कहीं ये ना हो कि 3 महीने बाद फिर एक नोटिस देनी पड़ जाए। गुरन, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। नहीं, कल नामुमकिन है। आपने कहा था ना आज ट्रायल होगा। ओके, क्या आपने मेजरमेंट नहीं लिया था क्या? 35 का वेस्ट है। ओके, कंफर्म। 5:30 बजे ट्रायल, फिर फ्लावर कंफर्म, मंडप कंफर्म, फूड कंफर्म, दारू। यार ये भी कोई शादी है? है ना, लड़की के माँ बाप को पता, ना लड़के के माँ बाप को पता, यार ये क्या है यार? बात इन्फॉर्म करने की है ना, कर देंगे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? तू नहीं समझेगा यार, ये सपना है ना, सपना अपनी दोस्त है यार, यहाँ यहाँ लगता है। और ये सफदर भी अपना यार है यार, अगर कोई गलती कर रहा है ना तो उसको कहने का अपना। जयंत, तुम्हारे शॉपिंग के लिए ये भी कोई पूछने की बात है? चल रवि, तू भी चल ना साथ में। नहीं, वो सपना। नहीं दोस्त, मुझे भी स्क्रिप्ट पे काम करना है। वो क्या लिख रहा है? सीरियल या फिल्म वगैरह? डॉक्यूमेंट्री। शादी या बर्बादी, मेरा फ्रेंड कर रहा है, सॉरी बना रहा है। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कौन है? निर्मल। निर्मल, सपना से कुछ बातचीत करनी थी क्या? हाँ, क्यों? नहीं तो रुक क्यों गए? मेरी पूरी इजाजत है। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। पर मेरी मंगेतर है वो। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी? हाँ, तो तू शादी रुकवाएगा? तू जो वादे तोड़ने और निगलेक्ट करने के सिवा और कुछ नहीं करता। ये फिल्मी डायलॉग्स मत दे यहाँ मेरे को, ये मेरा नेचर है और ऐसे ही वो मुझे पसंद करती है। तेरी तरह पीछे पीछे नहीं दौड़ता। निर्मल, अगर तुम्हें हमारे फैसले से बुरा लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास फ्लर्ट करने के लिए कोई नहीं है। एक लड़की क्या मिल गई तेरे को, तेरा कॉन्फिडेंस एकदम चढ़ गया। डॉक्टर, अभी फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ कि नहीं? यू नो, आदमी, औरत, बर्ड्स, बीज। दैट इज माय प्रॉब्लम। एनीवे, मैं अंदर जा सकता हूं, मैं शॉपिंग के लिए जाना है। चला क्या वो? कौन? निर्मल था वो, तुमसे शायद पता नहीं कुछ बात करना चाह रहा था वो कुछ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक सपना? हाँ, अंदर तो। कम ऑन। एक्चुअली सर, आई एम रियली सॉरी। क्यों? लेकिन आज बुधवार है, अमावस, आज हम शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। कम ऑन सपना,
हाँ अरे इन बातों को छोड़ो यार, अरे अमावस क्यों होती तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो सफदर, अगर तुम मानना नहीं चाहते थे तो ना से, लेकिन आज हम शॉपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यार छुट्टी ली मैंने। देखो हम ऐसे करते हैं, शनिचर के दिन चलते हैं, वो भी 10:30 बजे के बाद, बेस्ट है। सुबह को? हाँ। यानी कि अब मैं क्या करूँ ये मुझे कोई और बताएगा, और वो भी कोई ऐसी चीज जो दिखाई भी नहीं देती हो, कम ऑन सपना। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लास्ट मोमेंट में नहीं बताएंगे कि आप, मैं जा रहा हूं। क्या कर रही है तू? हाँ क्या कर रही है? दादी माँ वो नीचे निर्मल है तो? वो मुझे मिलने आया था, बहुत परेशान है। और तू? मैं ठीक हूँ। भूल जा निर्मल को, तेरे लिए अब सफदर ही ठीक है। क्या राइटर, क्या प्रॉब्लम है यार? तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट कब लिखेगा? अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिमाग क्लियर होने की जरूरत है बॉस। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? जो तुझे है वही सपना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये भी कोई शादी है? उनकी प्रॉब्लम है यार, मेरी तो जान छूटी। तेरा ये प्लेइंग अप बहुत हो गया। ये तेरा चेहरा है ना, वही कहता है तुझे बहुत फर्क पड़ता है। क्या है, तूने अपनी अपनी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द जो सर्कल खड़ा किया है ना, उसे बाहर निकल दोस्त। बाहर निकल, बाहर निकल। तू नहीं बाहर निकल सकता दोस्त, क्योंकि तुझे डर लगता है। डर? हाँ डर, अपनी इमेज ब्रेक होने का डर। तू कहना क्या चाहता है रवि? सपना और सफदर की शादी से मुझे फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स, हंसता क्या है? बॉल्स, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। अच्छा तो ये तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ और चेहरा उतरा हुआ नहीं है, वो मुझे दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है बॉस? बोलना है। एक्चुअली रवि तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं। Just digest the fact. ए, तेरे जैसा egoistic आदमी मैंने कभी नहीं देखा दोस्त। और तेरे जैसा introverted आदमी मैंने कभी नहीं देखा। We are in the same boat, रवि। दर्द तुझे भी हो रहा है? हाँ, हो रहा है। लेकिन फर्क है, फर्क है। तेरे पास कहने के लिए reason है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दोस्त। मुझे तो अभी भी लगता है दोस्त, कोशिश कर ले। They are not in love. अरे वो लोग साथ में भी होते हैं ना, तो भी ऐसा नहीं लगता वो लोग साथ में। क्या तुम्हें ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा कुछ भी किया होगा? In that sense. नहीं, they are just pretending. तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं?
फॉरगेट इट यार, चल दारू पीते हैं। सेवनटीन शर्ली रोड। नहीं, आई एम सॉरी, सदर इज नॉट इन। तो गुलन है वहां पे? गुलन भी नहीं है। कौन? जयंत। हाँ, जयंत। और कौन हो सकता है जो सफदर और गुलन को? ऑफ कोर्स मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा बेबी। हाँ, उसके बाद हम खाने पर भी जाएंगे। ऑफ कोर्स, एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हाय निर्मल। हाय सपना। कैसे हो? नॉट सो बैड। आज शाम को क्या कर रहे हो? एक डेट पे जाना है। नहीं, मैं सोच रही थी अगर तुम फ्री होते तो हम सब साथ जा सकते थे। कहाँ? हम पिक्चर के लिए जाना चाहते थे। एक्चुअली सफदर ब्रेव हार्ट देखना चाहता है, तो अगर तुम भी साथ होते अच्छा होता। Sapna, do you really love him? मैं एक अपॉइंटमेंट के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हें सरप्राइज भी तो देना है। सरप्राइज? किसको? हेलो। हाय सपना, कंग्रेचुलेशंस अगेन। You know, Safdar is a very good boy. कल रात ही हम लोग ड्रिंक्स पी रहे थे और वो कह रहा था, I love this woman. Yeah, I also really love him. He's a very honest boy. जरा गुलन को बुलाना प्लीज, और बाद में सफदर को भी। ओके। निर्मल अभी भी वहीं खड़ा है क्या? हाँ, निर्मल तो यहीं है। जरा उसे भी बुलाना प्लीज। एक मिनट। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन है। हेलो। संभाल गया अंकल, पेट पीट फूट जाएगा। Your last days as a bachelor. I'm so happy for you. तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं पार्टी दी है। तुम क्या हंस रहे हो? Genuinely यार। तो क्या है, हमने कुछ कहा गया? Sorry. वैसे तेरा तो रोने का दिन। तेरा दांत निकाल के ठाके मारने का दिन क्यों है मैं जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवा। अच्छा मजा चखाया तुमने इन सबको। किसी को मजा चखाने के लिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। छोड़ना यार, आप छोड़ना। काय को फालतू टेंशन यार। अरे दारू पियो, धमाल करो यार। अरे जयंत। यार अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज तूने ये बॉटलर पार्टी रखा। बैचलर्स पार्टी, बैचलर्स पार्टी मैंने रखी है इसके लिए। फूट डालूंगा सर। आदमी है, चल हाँ तू दारू पिया। क्या फिर डॉक्टर, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, मेरे इंटरनल एग्जाम्स है ना, शायद उसके बाद कभी। वही रीजन है या चांद तारे अलाउ नहीं करते? सिर्फ वही रीजन है। रिलैक्स मैन, मैंने तो ऐसे ही कहा। तुमने ऐसे नहीं कहा। सपना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और वो बहुत सुपरस्टिशियस है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, और तुम ये बात यहां सबको आज बताना चाह रहे हो। दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सब कुछ ठीक तो कर रही हूँ ना? दादी माँ आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? आपके कहने पे तो मैंने ये सब किया। मुझे लगता था कि
सफदर के साथ खुश रहेगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तू निर्मल को भूल नहीं पाएगी। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं पीछे तो नहीं हट सकती, अब मैं सफदर को धोखा तो नहीं दे सकती। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपने कौन सा शादी से पहले दादू जी से प्यार किया था? पर मैंने शादी से पहले किसी और से भी प्यार नहीं किया। सोच ले, अब भी वक्त है, पर एक बार डिसाइड किया फिर झिझकना नहीं। ऑल द बेस्ट। अरे सफदर, तुम व्हाट्स रॉन्ग माय बॉय? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जरूर तुम सपना का बारे में सोचता है ना? निर्मल के बारे में। निर्मल? He's a mad fellow. उसका बारे में काय को सोचता है? और उसका वजह से तो तुम और सपना टुगेदर हो गया कि नहीं, वन हो गया। अंकल, आपको लगता है सपना खुश है? खुश? Of course. और क्या? वो तो अभी इतना शॉपिंग करता है, इतना शादी का तैयारी करता है, और तुम जैसा इतना गुड बॉय उसको मिला। She's a lucky girl. And you are also a lucky boy. वो तुम्हारा ड्रीम गर्ल है कि नहीं? या सपना? Then, अभी तुम खुश हो जाओ। Come on now. Cheer up, courage my boy. Cheer up, be happy. Come on. ठीक है ना? ओके, चम्मच कहाँ है? ओके, बाय। स्टॉक है ना पूरा? Very good. अरे यहाँ क्यों रखा है? फोटो लो, क्या इसको सर्व करो ना। अंकल हेनरी, प्ले प्ले। उधर आ रहे, आ रहे। मैं बहुत खुश हूं, जानता हूं तुम इसे खुश रखो। कंग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड, वेट फॉर ईच अदर, वेरी गुड। चलो, दोनों विटनेस कहाँ है? वन टू। आप यहाँ साइन कर दीजिए। मैं ठीक तो कर रहा हूं ना? हाँ। सब ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। सफदर, मैं तुमसे कुछ बात मैं भी कुछ कहना चाह रहा था तुमसे। Excuse us, please. मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं, पर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हम दोनों, पर
पर शायद मुझे लगता है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ सफदर, आर यू ओके? हाँ हाँ नहीं, यू आर ओके? Thank you so much, Safdar. Thank you so much. हम दोनों ने अभी डिसाइड किया है कि हम दोनों इस शादी नहीं करने वाले। नहीं, ये शादी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। मैं बर्बाद हो गया, मैंने सब कुछ विटनेस किया है। I knew it. तुम मुझे छोड़कर और किसी से शादी नहीं कर सकती। How surprising. क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी। I love it.